ग्रेडन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसमें एक्सरसाइज 3.4 को लॉग टेबल से कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया था और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक किए थे। आज हम पार्ट नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी साथ ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 लॉग इन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। 83 की पावर 3 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 की पावर 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 246। तो लेट करेंगे x इज इक्वल टू दिस। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स और दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे रूल लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर हैं और ये दो नीचे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का log लेंगे और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, यानी log ऑफ 83 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 92, फिर ये माइनस का साइन आएगा, फिर log 127 माइनस log फिफ्थ रूट ऑफ 246। रूल लग गया। अब उसके बाद इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट का हमारे पास नहीं होता, तो ये क्यूब रूट था तो इसको पावर 1/3 लिखेंगे और ये फिफ्थ रूट था तो इसको पावर 1/5 लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये एज इट इज आ जाएगा और ये इसका एक्सपोनेंट रूल, यानी 1/3 नीचे आ जाएगा, लॉग 92 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1/5 नीचे आ जाएगा और लॉग 246 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा रूल्स लग गए। अब हमने लॉग लेना है वही कैलकुलेटर की मदद से, लॉग टेबल की मदद से। तो लॉग 83 है तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि देखें यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि हमें ये देखना है कि डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसका तो होल नंबर है, तो जब होल नंबर होता है तो ये देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। या वैसे भी समझ लें कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे हमने जाना है तो यहाँ से हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 और इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, क्योंकि अगेन इसमें भी दो डिजिट्स हैं तो n माइनस 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। नहीं तो जो आपको दूसरा रूल बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या लेना होता है कि हमने देखना है कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये लिखें, अगर फॉरवर्ड मूवमेंट होगी तो n की वैल्यू यानी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव लेंगे, अगर बैकवर्ड होगी तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखें यहाँ से हमने डेसिमल पीछे लेके जाना होता है, तो एक डिजिट पीछे आ रहे हैं लिहाजा हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और ये 127 है यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 246 है यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। या दूसरा तरीका कि यहाँ पे क्योंकि सारे ही पॉजिटिव थे होल नंबर थे तो हम n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, ये भी 2 डिजिट्स थे, 2 माइनस 1 किया तो 1, फिर ये 3 डिजिट्स थे, 3 माइनस 1 किया तो 2 और फिर ये 3 डिजिट्स थे, 3 माइनस 1 किया तो 2। नहीं तो दूसरा जो आपको तरीका बताया था कि हमने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट के एतबार से, क्योंकि यहाँ पे हम बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, जब बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ से हम इधर एक डिजिट पीछे आए हैं, यहाँ से भी देखें तो एक डिजिट पीछे आए हैं क्योंकि 9 के बाद डेसिमल आना है, यहाँ पे 8 के बाद डेसिमल आना है, यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान है तो यहाँ से 2 डिजिट बैकवर्ड आए हैं, 1, 2, क्योंकि इनके अंदर डेसिमल नहीं, डेसिमल इनके एंड पे है, इसका भी डेसिमल एंड पे है, तो यहाँ से बैकवर्ड आए हैं 1 और ये 2 डिजिट बैकवर्ड आए हैं। ठीक हो गया, तो जब बैकवर्ड होते हैं तो हम n की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव टू इसमें पॉजिटिव 1 और इसमें पॉजिटिव 1। अब इसका मेंटिसा निकालेंगे, 83 को देखेंगे 0 0 में, ये 83 है, इसके आगे दो डिजिट पूरे करने के लिए 4, यानी 0 और 0, क्योंकि ये मैंने कहा ये जो ये वाला 0 होता नहीं है लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिखा है। अब हम दिखाएंगे 83 को 0 में क्या चीज़ है, चलते हैं टेबल की तरफ। लॉग टेबल लॉग का टेबल निकालना था, ये तो एंटी लॉग का टेबल, ये रहा कॉमन लॉग का, ऐसे यही था। 83 में जाना है हमने और उसको 0 में देखना है। एट्टी थ्री
यहाँ से आ गया हमारे पास 83। ये वैसे मैंने कल आपको समझाया था अपने पहले लेक्चर में, लेकिन फिर क्योंकि आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो नया दिन है, नया जोश है, तो इसलिए एक आधा सवाल आपको करके दिखाऊंगा भी मैंने वर्किंग की हुई। 83 को जीरो में देखें, 9191, ठीक हो गया। और यहाँ पे जीरो होता नहीं है लहजा, 83 को जब हमने जीरो में देखा तो 9191 आ गया। सिमिलरली अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा नंबर था, 83 के बाद था 92, तो 92 को भी 00 में देखना है, तो 92 को देख लेते हैं। जीरो जीरो में ये हमारा 92 और ये है 00, ठीक हो गया। 9638, ये देखें 9638, ये 9191, ये 9638। अब नेक्स्ट है हमारा 127, तो इसका आंसर 12 को 7 में देखेंगे, 12 को 7 में देखते हैं। यहाँ से हम पहले ऊपर जाएंगे ताकि हम यहाँ से 12 ढूंढें। ये आ गया हमारा 12 और इधर से कॉमन में कॉलम में 7 भी है, ये 7 है और ये 12 है, तो 1038, ठीक हो गया। ये देखें 1038 और लास्ट 246 था, तो 24 को 6 में देखेंगे, 24 को 6 में देखेंगे, 24 ये आ गया 24 हमारा। और यहां से ये 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी 3909, ठीक हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया हमने पहले, अब हम चलते हैं दोबारा स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हमने वर्किंग करनी थी, पहले कैरेक्टरिस्टिक सेट कर दिए सबके, इसका कैरेक्टरिस्टिक सेट कर देंगे। ये देखें इसका 1 था क्योंकि 1 डिजिट बैकवर्ड आए हैं, इसका भी 1 था क्योंकि 1 डिजिट बैकवर्ड आए हैं, इसके लिए हम 2 डिजिट बैकवर्ड आए हैं तो 2 आ गया, और इसके लिए भी हम 2 डिजिट बैकवर्ड आए हैं तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। और इनका जो मेंटिस है वो हमने निकाल दिया, देखें 0.9191, ये देखें 0.9191, फिर 9638 और फिर 1038, ये 1038 आ गया। और इस तरह 246 का देखेंगे तो 3909, ये चारों के कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फिट हो गए। अब उसके बाद क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं लिहाजा ये सवाल आसान है, इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर से हम इन सबको हल कर लेंगे। क्योंकि ये 1/3 है तो 1.9638 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको 3 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह 2.3909 को 5 पे डिवाइड कर दें या 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दें, जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.0038। अब यहाँ पे आके क्योंकि आंसर हमारा सिंगल टर्म है, -0.0083 आ गया था, तो अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो तरीका आपको कल मैंने सिखाया था पार्ट नंबर 5 या 6 में भी, अब इसमें 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो ये मैंने 1 प्लस किया तो, और ये मैंने 1 माइनस किया, जो प्लस 1 है उसको इसके साथ सेट कर दिया ताकि इसका मेंटिसा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मेंटिसा जो है नेगेटिव एंटीलॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यूज का नहीं होता, तो इसलिए इस मेंटिसा को पहले पॉजिटिव करेंगे इस 1 को इसमें ऐड करके, तो अब हमारा ये मेंटिसा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हम इसका एंटीलॉग लेंगे। तो 1 - 0.0083 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.9917 और ये -1 है, इसको शुरू में लगा देंगे। ये देखिए 1 बार यानी -1.9917 आ गया। अब ये आई वैल्यू किसकी, लॉग ऑफ एक्स की, ठीक हो गया। अब इस लॉग को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये आपको पता है कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कट कर देंगे, ये सारी चीजें मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि पहला सवाल कर रहे हैं लेक्चर 2 में तो इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि तरीकाकार सारा याद आ जाए। अगर किसी ने लेक्चर 1 देखे हुए जरा टाइम हो गया तो उसके लिए दोबारा कर देता हूँ। ये लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा,
अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। सो x इज इक्वल टू 0.9811, लेकिन इससे पहले हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हमने एंटी लॉग लेना है तो हमने इसको भूल जाना कैरेक्टरिस्टिक को, ये सिर्फ डेसिमल प्लेस करने के काम आएगा। हमने ये देखना है 0.9811, यानी 0.981 को, यानी 0.98 को पहले 1 में और फिर मीन डिफरेंस 1, दोनों में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉरी ये तो अच्छा यहाँ पे गलती लिख दी, ये था -1.9917 था, यहाँ टाइपिंग की एरर है तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये 1 नहीं है, 0.सॉरी ये मैं शायद उसकी करेक्शन करना भूल गया था, लेकिन मैं ठीक कर देता हूँ। क्योंकि जब भी हमने एंटी लॉग लेना होता है उसी वैल्यू का लेना है जो ऊपर हमारे पास आई हुई थी, यानी -1.9917। तो ये 9811 नहीं है, ये बेसिकली है 9917। ठीक है, यानी ये -1.9917 था। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो वर्किंग की है वो 9917 के साथ ही की है, वहां पे टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक हो गया। वापस पॉइंटर चेंज कर लूं। अब देखिए 9917, यानी अब हमने एंटी लॉग में जाना है और 0.99 को 1 और 7 में देखना है। चलते हैं जी अपने एंटी लॉग के टेबल में। यहां से हम अपना एंटी लॉग का टेबल खोल लेते हैं और लास्ट फिगर पे है 99, ये देखिए 0.99 और 17, ये 0 है ये 1, यानी 9795 और फिर इसका मेन डिफरेंस देखते हैं। ये देखिए 9795, और जब हम 7 में जाके देखेंगे मेन डिफरेंस तो उसका 16 होगा, ठीक है। ये मैंने पहले वर्कआउट किया हुआ, तो अब इन दोनों को ऐड कर लें, 9795 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, 95, और 5 ऐड करेंगे तो 9811, यानी 9811 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर होना था। सो अब 9811 आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी थी, ठीक हो गया। ये मैंने नीचे लिखी है, अच्छा अब हमने इसका डेसिमल कैसे प्लेस करना होता है, ये देखें 9811 आ गया। तो दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि जब हमने एंटी लॉग लेना है तो हमने क्या करना है, सिर्फ अच्छा स्लाइड में हमने जब एंटी लॉग लेना है तो सिर्फ मेंटिसा वाले को देखना है और वहां से वैल्यू ले लेनी है। जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमने जस्ट डेसिमल की प्लेसमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक को यूज करना है। अब डिपेंड करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है, तो इसका रूल क्या क्या था कि जब नेगेटिव आ जाएगा तो ओरिजिनल पोजिशन से हमने बैकवर्ड जाना है। ये देखें इसका ये रूल मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्लाइड तो हमने यहाँ पे करना है कि यहाँ से बैकवर्ड जाना है, ये ओरिजिनल। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, ओरिजिनल पोजीशन से बैकवर्ड जाना है एज पर सी, यानी सी की वैल्यू क्या थी, -1, लिहाजा 9811 है तो ये ओरिजिनल पोजीशन से हम यहाँ बैक पे आ जाएंगे, यानी 0.9811 हो जाएगा, तो उससे पहले 0 लगा देंगे, 0.9811 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, लेट x इज इक्वल टू 438 का क्यूब इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 होल की पावर 4। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ द एक्सप्रेशन, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 438 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 माइनस लॉग ऑफ 388 की पावर 4, फिर एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और लॉग 438 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 नीचे आ जाएगा और लॉग 0.056 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 4 नीचे आ जाएगा और लॉग 388 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी पहले हमने प्रोडक्ट और कोशेंट रूल अप्लाई किया और बाद में एक्सपोनेंट रूल। अब यहाँ से हमने इसका लॉग लेने का काम शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्योंकि 1-2 डिजिट बैकवर्ड जाना है तो हमारा पॉजिटिव 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड जाना है, 1 और ये 2 यानी 5 और 6 के दरमियान आना था, यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक -2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन बैकवर्ड जाना है, 1-2 डिजिट बैकवर्ड आए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ये देखें, पहले का पॉजिटिव 2, दूसरे का -2 और तीसरे का फिर +2। अब हम इनके लॉग लेंगे टेबल की मदद से। 43 को 80 यानी 43 को 8 में देखेंगे तो 6415 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीन डिफरेंस 0 में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, ये मैंने सिर्फ एक में करवा दिया, मैंने पहले वर्किंग की है। फिर 5600 यानी जब भी आपने कॉमन लॉग लेना है तो आपने 4 डिजिट्स यानी पहले वाले 0 को इग्नोर कर देना है, 5-6 लेना है, उसके बाद 2 0 लगाने हैं ताकि हमारे 4 डिजिट्स पूरे। तो 5-6 को 0 में देखा तो 7482 आ गया। सिमिलरली 3-8 0 कर देंगे इसको, तो 38 को 8 में देखेंगे तो 5899 आ जाएगा। तो ये इनके मेंटिसर आ गए। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है, देखें, लेकिन उससे पहले क्या है, अब ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.6415 से, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.7482 से, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5888 से। पहले हम कैलकुलेटर के मदद इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है ये नेगेटिव है, लिहाजा अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, यानी -1 को अलग कर देंगे और उसके मेंटिसा जो है पॉजिटिव उसको अलग कर देंगे, फिर कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो देखें 7.9245 एडिटिस आ गया, इसको -1 को अलग कर दिया, प्लस मेंटिसा 0.3741 अलग कर दिया, और ये क्योंकि माइनस दूसरा था तो -10.53552 है। अब कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज को इकट्ठा लिखने के बाद हम आंसर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया -3.0566, क्योंकि आंसर हमारा -3 आ रहा है, तो नेगेटिव को हम बाहर लिखते हैं। अब हमने इसे लॉग एक्स की वैल्यू आ गई है, इसको खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। सॉरी, एंटी लॉग से पहले मैंने अभी मैं खुद ही बताना भूल गया था, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका एंटी लॉग मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसमें पहले -1 और +1 की एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे पहले से कहा था। तो क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद, लिहाजा इसको अलग अलग करेंगे, तो इसको लिखेंगे -3 और इसको लिखेंगे +0.0566, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन इसका मेंटिसा जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे आंसर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आता तो फिर हम इसको नेगेटिव लेते, इसको पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। तो -3 को लादा कर लिया, -0.056 को लादा कर लिया, अब इसमें +1 करेंगे और -1, तो इस -1 को इस -3 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -4, और इस +1 को इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे तो -0.566 +1 को अलग कर लिया। तो ये देखेंगे -3 और -1 हो जाएगा -4 यानी 4 बार, और इसको जब हमने आंसर निकाला 1-0.0566 तो 0.9434 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एक्स और लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब हमने जब इसका एंटी लॉग लेना है तो सिर्फ 0.9434 को हमने सेट पे कर लेना है, तो 94 को 3 में चेक किया तो 8770 आएगा एंटी लॉग के टेबल में, और मीन डिफरेंस 4 में देखा तो वैल्यू 8 है, इन दोनों को ऐड कर लें, 8778 हो जाएगा हमारा आंसर, तो 8778 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने डेसिमल को प्लेस करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है, तो उसका तरीकाकार क्या बताया था कि ओरिजिनल पोजीशन से आप बैकवर्ड चले जाएं 4 प्लेसेस। ये देखें, ओरिजिनल पोजीशन से बैकवर्ड जाना है एज पर द वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन, यहां से हमने 4 डिजिट्स बैकवर्ड जाना, तो 1 तो है हमारे पास, 2, 3 और 4 यानी 3 0 लग जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा
एक्स इज इक्वल टू 0.0008778। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम भी वैसे ही करेंगे। अभी हम फिलहाल इसको कैलकुलेटर की मदद से नहीं करेंगे, लॉग टेबल से करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी लॉग टेबल से है। क्वेश्चन नंबर टू, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पीवी रेज द पावर एन इज इक्वल टू सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन पी की वैल्यू दी हुई है 80, वी भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, तीनों की वैल्यूज दी हुई है। तो इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन आपको आसान तरीका कराऊंगा। एक तो ये तरीका कि हम पहले वैल्यूज पुट कर दें और फिर उसके बाद लॉग लें, लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है अल्जेब्रिक फॉर्म में, सी इज इक्वल टू पी वी की पावर एन, पहले वो लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी विदाउट पुटिंग वैल्यूज। जब हम लॉग लेंगे तो ये जगह लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी वी की पावर एन। अब ये देखें प्रोडक्ट रूल लग गया, ये एम हो गया हमारा और ये एन हो गया। तो जब प्रोडक्ट रूल होगा तो दोनों का लॉग लेंगे, यानी लॉग ऑफ पी और डॉट की बजाय प्लस आ जाएगा, लॉग वी की पावर एन हो जाएगा। सो लॉग ऑफ पी प्लस एन लॉग वी, क्योंकि एन पावर में था, अब ये नीचे आ जाएगा और लॉग ऑफ वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा पहले, यानी मैंने वैल्यूज पुट किए बगैर पहले ही लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। p की वैल्यू दी हुई है 80, तो ये जगह लॉग ऑफ 80, n दिया हुआ 5/4 और लॉग v, v की जगह 3.1 पुट कर देंगे। हाँ जी, 3.1 पुट कर देते हैं। अब देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेट करना है। तो 80 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट बैकवर्ड आ रहे हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये पहले ही अपनी जगह पे मौजूद है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसका 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें इसका कैरेक्टर 1 हो गया और इसका 0 हो गया। अब हम 80 को देखेंगे 00 में, तो उसकी वैल्यू है 9031। और इसी तरह 31 को 00 में देखेंगे, क्योंकि जब इसका डेसिमल रिमूव करके दो डिजिट आगे लगा लेंगे, तो 31 को जब 0 में देखेंगे तो आंसर आ रहा है 4914। ये वैल्यूज पुट कर दी, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा कंप्लीट हो गया। अब 5/4 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.4914 को, हमारा आंसर आ जाएगा ये 1.9030 था, और यहां से 5/4 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया फिर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल दिया, तो आंसर आया हमारा 2.5174। अब ये 2 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने कहा इसको सब रेड करने का मकसद यह है कि याद रखना है कि जब हमने पॉइंट प्लेस करना होता तो कैरेक्टरिस्टिक तब यूज करना है, वैसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब लॉ को खत्म करने के लिए देखेंगे टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग लेंगे ये लॉग इस एंटी लॉग को और लॉग को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगी वैल्यू सी की, यानी एंटी लॉग ऑफ 2.5147। अब इसको इग्नोर कर दें, 0.51 को 74 में देखें, तो 0.51 को जब हमने 7 और 4 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3292। ठीक हो गया। अब यहां से डेसिमल प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है, तो इसका तरीका क्या था कि ओरिजिनल पोजीशन में 1, जो ओरिजिनल पोजीशन 1 होती है उसमें ये सी को ऐड कर देंगे। ये रूल लिख देता हूं। अच्छा, यहां पे रूल गलत कॉपी हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, क्योंकि यहां पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव में जो रूल था उसका मैंने आपको ये बताया था, नेगेटिव के लिए चलता है कि ओरिजिनल पोजीशन से बैकवर्ड जाना है। ये पॉजिटिव है, इस पे ये नहीं लगेगा, इस पे लगेगा 1+c। यहां से लॉग और एंटी लॉग को कैंसिल भी कर देता हूं, पॉइंटर तो मेरे पास है इस वक्त, ये एंटी लॉग कैंसिल हो गया और इधर से ये लॉग कैंसिल हो गया। तो सो सी इज इक्वल टू, जब हमने इसकी वैल्यू देखी तो वैल्यू हमारे पास आ रही है एंटी लॉग के टेबल में 3-2 को, जब हमने 5-1 को 7 और 4 में, जब 5-1 को 7 और 4 में देखा तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3292। यहां मैं वैल्यू लिखना भूल गया, लेकिन आपको तरीका बता दिया मैंने कि कैसे करना है, कि हमने 5-1 को पहले 7 में देखना था, फिर जो आंसर आना था उसमें 4 का मीन डिफरेंस ऐड कर देना था, और ये आंसर आ गया 3292। अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू है ये देखें पॉजिटिव 2 है, लिहाजा अब हमने फार्मूला लगाना है सी यानी 1+2 के ओरिजिनल पोजीशन हमारी फर्स्ट डिजिट पे होती है, अब इसमें ये 2 ऐड कर दें, तो 1+2 कर देंगे 3,
अब यहां से हम थ्री डिजिट पे आगे चले जाएंगे, वन टू और ये थ्री, यानी पॉइंट यहां पे आके लग जाएगा। या दूसरा तरीका है कि ओरिजिनल पोजीशन से सी काउंट कर लें, वन और ये टू, दोनों तरीके से किया। या तो ओरिजिनल पोजीशन से पॉजिटिव सी ऐड कर लें, यानी वन और ये टू, यहां पे डेसिमल आ जाएगा, या एन प्लस टू यानी वन प्लस टू थ्री कर लें और फिर यहां से शुरू से स्टार्ट लें, तो वन टू और थ्री यानी 329.2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया हुआ है, अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइस भी दी हुई है, कितनी ऑफ वन यूनिट दी हुई है, रुपीज 18 पर यूनिट, ठीक है। हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है कि हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ 18 पर यूनिट, यानी ये डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है कि प्राइस का ताल्लुक क्वांटिटी पे होता है। तो कहता है कि अगर एक यूनिट प्राइस है, यानी क्वांटिटी कितनी उस पर हमने परचेज करनी है, अगर हमारी प्राइस जो है वो पर यूनिट 18 रुपीज है, तो तरीका कर वही है, हम सीखेंगे फंक्शन लिखेंगे पहले, सिस्टम में मसला आ रहा है, स्लाइड स्लो चल रही है। अच्छा, यहां पे प्रिंट नहीं हुआ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, स्लाइड में कोई इशू आ रहा है शायद, एनी हाउ उन्हें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये लिखा वो वही है कि हमने ये जो फंक्शन दिया था उसको पहले लिखा है और फिर मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखें, ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग ऑफ 90, तो यहाँ भी जो मल्टीप्लाई का साइन है, तो लॉग ऑफ 90 प्लस लॉग ऑफ 5 की पावर माइनस क्यू ओवर 10, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, तो लॉग 18 एज इट इज नीचे आ जाएगा, लॉग 90 भी आ जाएगा, और ये माइनस क्यू ओवर 10 जो है वो पहले आ जाएगा और लॉग 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें 18 को जब हमने 0-0 में देखा तो हमारे पास आंसर आया 2553, लिहाजा लॉग ऑफ 18 का आंसर आ गया। इसका ये मेंटिसा और उसका कैरेक्टरिस्टिक ये देखें, डेसिमल यहां से मूव होकर यहां 1 यूनिट बैकवर्ड गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह 90 है तो 0-90 के दरमियान आना है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर है तो यहाँ पे डेसिमल जो है यहीं पे मौजूद है, ठीक है, इसका तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। तो देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 था, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 हो गया, और ये क्योंकि अपनी जगह पे मौजूद है लिहाजा इसका 0 हो गया। अब हम देखेंगे 2553, इसका तो मैंने निकाल लिया, पहले निकाल लिया 1800 का। अब हम इसका देखते हैं कि 90 को जब 0 में देखेंगे तो 9542 आएगा, ये देखें 1.9542 आ गया, ये माइनस फार्मूले का जाए, फिर माइनस क्यू ओवर 10 इन टू 5 को 0-0 में देखेंगे, यानी 50 को पहले 0 निकालेंगे, 50 को जब हमने 0 में देखा तो 6990 आ गया, तो 0.6990 आ गया। अब यहां से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 1.2553 माइनस 1.9542 करेंगे, हमारा आंसर आया माइनस 0.6989 इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10 और ये एज इट इज आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है, ठीक है, लिहाजा हमें लॉग का एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे, यानी इसके नीचे अगर मैं कहूँ तो हम 1 लगा लेते हैं ताकि क्रॉस प्रोडक्ट का आपको समझ आ जाए, क्योंकि जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती है तो पहले फ्रैक्शन होना जरूरी है। तो ये देखें जी, मैंने इसको फ्रैक्शन बना लिया, इसके नीचे 1 लगा दिया। अब यहां से मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए सिंप्लीफाई कर लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये देखें
जब मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई करके देखा 10 इंटू माइनस 0.6989 आ गया, और यहाँ पे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो जाहिर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी, तो 0.6990 और साथ क्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास माइनस 6.989। फिर ये वाली वैल्यू जो है क्यू की वैल्यू मैंने निकालनी थी, तो ये देखें ये जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो जब यहाँ पे इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस 0.6990, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आया था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें माइनस माइनस से कट जाएगा, ये देखें ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 6.989 डिवाइडेड बाय 0.6990। अब हम इसको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 9.99 या अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स। इसका मतलब है कि इस प्राइस पे रुपीज 18 की प्राइस पे इस फंक्शन के तहत कितने यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं, 10 यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड ए व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 15। अगेन स्टार्ट वैसे लेंगे कि बगैर वैल्यूज पुट किए पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर के बीच में डॉट है, मल्टीप्लाई आ रहे हैं, अब प्रोडक्ट रूल लगाएं, लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर यानी 2^2 इसको नीचे ले आए और लॉग ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ गया लॉग पाई प्लस 2 times log r। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 है, ये भी पुट की जा सकती है, लेकिन इससे आपको फिर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि जब भी 22/7 आ जाए तो इसकी जगह इसकी डेसिमल वैल्यू पुट कर दें, यानी 3.143, ताकि आपको स्टेप कम से कम करने पड़े। तो मैंने वही किया, पाई की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 3.143 और यहाँ पे आ गया 2 एज इट इज और r की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब हम 3.1 को 4.3 में देखेंगे, इसका कॉमन लॉगरिथम ले, लेकिन पहले इसका हम वो कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। यहाँ पे देखें ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से बैकवर्ड जाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, क्योंकि यहाँ से बैकवर्ड जा रहे हैं, तो देखें इसका 0 हो गया और इसका 1 हो गया। अब इसका मेंटिसा 3.1 को 4.3 में देखा, 3.1 को पहले 4 और फिर मेन डिफरेंस 3 में देखा, तो 3.1 को देखा 4 में तो वैल्यू थी 4969 और मेन डिफरेंस में थी वैल्यू 4, दोनों को ऐड कर दें तो 4973 आ गई। इसी तरह 15 को 0.0 में देखेंगे तो 1761 आ गया, तो देखें 1.1761 ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था, यहाँ से हम 1 यूनिट बैकवर्ड आए थे, लेदर 1 आ गया। अब पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें, तो अब मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाला तो आंसर आ गया 2.8495। ये 2 बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक है, अब इसको हमने यूज करते हुए रूल लगाना होगा डेसिमल का, तो अब लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और एंटी लॉग ऑफ 2.8495। अब 84 को यानी 0.84 को 9 और 5 में देखेंगे, 84 को 9 और 5 में देखा तो वैल्यू आ गई है 7063+8 यानी 7071 आ गई। अब हमारे पास 7071 आ गया, तो रूल हमने क्या रखा हुआ है कि ओरिजिनल पोजीशन पे देखें, यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ में अब क्योंकि सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें वो ऐड कर दें, यानी 1 से यहाँ से 2 पेसेस आगे चले जाएं, 1 और ये 2, इसका मतलब है हमारा आंसर आ जाएगा 707.1। ये देखें 707.1 ओरिजिनल पोजीशन प्लस सी, यानी ओरिजिनल पोजीशन ये थी 1 और फिर इसमें सी यानी 2 ऐड कर दिया, 3 हो गया। तो जब हम इस तरह निकालेंगे तो हम यहां से स्टार्ट लेंगे 1, 2 and 3, लेकिन अगर हम ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो यहां से सिर्फ हम सी को काउंट करेंगे, यानी यहां से ये देखते 1 और 2, दोनों तरीके आपको समझा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इफ v इज इक्वल टू 1/3 πr² h, ये वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है जी, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे इसको लिंक नहीं है कि सिलेंडर का किसका, लेकिन ये बारह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला दिया हुआ है। इसमें पाई की वैल्यू अगेन 22/7 दी, हमने 3.143 यूज करनी है, आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे पहले क्वेश्चन लिखे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा ये देखें 1/3 है, तो इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया ताकि हमारे पास लॉग के रूल्स अप्लाई करने में आसानी हो, वरना आपको यहाँ पे डबल लगाना पड़ेगा, लॉग ऑफ वन लगा देना पड़ेगा, फिर माइनस लॉग ऑफ थ्री लगा देना पड़ेगा। लिहाजा इस थ्री को पहले इसके नीचे ले जाए, ताकि अब हम यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और नीचे क्वेश्चन रूल, यानी इन तीनों के लॉग लेके ऐड कर लेंगे और इसका लॉग माइनस कर देंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई आर स्क्वायर एच ओवर थ्री। अब ये तीनों क्योंकि ऊपर है मल्टीप्लाई है, तो लिखेंगे लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एच माइनस लॉग ऑफ थ्री। अब इसका एक्सपोनेंट नीचे लें, टू से पहले आ जाएगा और लॉग आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लॉग ऑफ पाई प्लस टू लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ एच माइनस लॉग ऑफ थ्री। अब यहां पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू मैंने कहा पुट कर दें 3.143। सो लॉग ऑफ 3.143 प्लस टू टाइम्स लॉग आर की जगह आ गया 2.5, क्योंकि आर की वैल्यू 2.5 दी हुई थी, एच की वैल्यू है 4.2, ये 4.2 आ गई, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला 3 था डिनोमिनेटर में, इसका आ गया लॉग ऑफ 3। अब पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक सेट करते हैं, ये ओरिजिनल पोजीशन पे ही है, इसका जीरो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ये भी ओरिजिनल है इसका भी जीरो हो जाएगा, ये भी ओरिजिनल पोजीशन पर इसका भी जीरो हो जाएगा, और ये भी पॉइंट यहाँ पे सब ओरिजिनल पोजीशन पे है, जैसा इन सबका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा, ये देखें सबका जीरो है, ठीक हो गया। अब हम इनके मेंटिसा निकालेंगे, 3-1 को 4 और 3 में देखें, ये मैंने अभी पिछले सवाल में दिखा था, तो वही वाली वैल्यू मैंने दोबारा यूज कर ली कि 3-1 को 4-3 में देखेंगे तो उसका आंसर आ रहा था 0.4973, फिर 2-5 को 0 में देखेंगे तो 0.3979, फिर 4-2 को 0 में देखेंगे तो 0.6232 आएगा, फिर 3 को 0-0 में देखेंगे, 3-0 को 0 में देखेंगे तो 0.4771 आएगा। यहाँ मैंने लिखी वर्किंग नहीं थी, लेकिन किया वैसे ही है, टेबल से किया, ठीक है। अब इन सबको हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 1.4392। इसका मतलब पॉजिटिव आया, लेस को एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.4392, यानी 0.43 को 92 में देखेंगे तो 0.43 को 92 में देखा तो आया 2748 प्लस 1, यानी 2749 आंसर आ गया। अब डेसिमल प्लेस करना है, ओरिजिनल पोजीशन से 1 फॉरवर्ड जाना है, तो ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से 1 यूनिट आगे चले जाए तो आंसर आ जाएगा 27.49, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज काफी टफ और काफी नया कॉन्सेप्ट है, बल्कि हर लेवल पे मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें सारा काम हमने टेबल से और मैनुअली करना था, लेकिन मैंने पूरी भरपूर कोशिश की कि पूरी एक्सरसाइज के एक एक सवाल को आपको टेबल की मदद से सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया, और तो इसलिए उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं, और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड होगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं तो एक मरतबा ये सारी दोबारा फिर रिवाइज हो जाएंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।